साड़ी मर्जी की जब आए थे प्रमोशन पे तो सब लोग इकट्ठे थे, हम लोग सब मिले थे, तब तो मैंने एक बात कही थी, अगर ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। शायद आज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हिंदुस्तान में, शायद ये प्रॉब्लम है कि आदमी वो है जो रिश्ता निभाए। मैंने हरि सिंह नलुआ जी, अपने गुरुओं से, पीरों से, पंडितों से ये सीखा है, जिसको माँ बोलो तो बेटा बन के दिखाओ, बहन बोलो तो भाई बन के दिखाओ, बेटी बोलो तो बाप बन के दिखाओ। तुम रिश्ता है इस परिवार से, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, और मेरी बेटी है, बैठी है वंतिका, और मेरा बेटा है अशोक, छोटे भाई जैसे, और मैं हमेशा उस आदमी के लिए खड़ा हूँ जो आदमी खानदानी है, पढ़ा लिखा है, जिसकी सोच बहुत बड़ी है, और जो बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो आज जब बुलावा आया, मैं कह के गया था कि अगर मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, एक रिश्ता निभाने आया, और ये प्रार्थना करने आया कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ चलता हूँ, बेशक वो कहीं का हो, किसी पार्टी का हो, किसी घर का हो, किसी मजहब का हो, वो इंसान होना चाहिए, अपने धर्म का पक्का होना चाहिए, अपने देश के लिए पक्का होना चाहिए, अपने देश के लोगों के लिए पक्का होना चाहिए। सो आज मैं इसलिए आया हूँ, आप लोगों के दर्शन करने, अपनी बिटिया के साथ, अपने बेटे के साथ, ये सब लोगों के साथ जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, ये बार बार बुलाएंगे, मैं बार बार आऊँगा। मैं समझता हूँ प्रचार तो वो लोग करते हैं जिनको प्रचार की ज़रूरत होती है। अशोक तंवर जी को प्रचार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप उनको जानते हो, लेकिन मैं जब आदमी को मिलता हूँ, फिर आदमी को तोलता हूँ, फिर उसकी बात सुनता हूँ। अशोक जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और उस दिन हमारी बिटिया की और अशोक जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वो आधा घंटा जब मैं उनके पास बैठा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो 5-6 लैंग्वेजेस जानता है, फारसी से लेके, हिंदी से लेके, पंजाबी से लेके, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, और PhD है, और पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी सोच जो है वो सबके लिए एक जैसी है, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए, और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मैंने नहीं देखा, बहुत कम। हालांकि मैं पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, हमारी भाभी जी हैं, विनोद जी की वाइफ रानी जी, के भैया तुम जा रहे हो विनोद जी के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए। तो मैंने कहा भाभी जी ऐसा है, मैं मर गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ विनोद शर्मा वापस आएगा, हारेगा जीतेगा ये मुझे नहीं पता। ये रिश्ते होते हैं जो आदमी को निभाने चाहिए, और मैं यहाँ पे सिर्फ ना मैं किसी के पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ना किसी के इंसान के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन रिश्ता निभाना मैं समझता हूँ ये खुदा का हुक्म है, और मैं खुदा का हुक्म निभाने लगा। मैंने सर आज तक वोट मांगी नहीं, वोट मांगना मैं समझता हूँ वो भीख है। आप बोलो ऐसे लोगों से, कहो कि मुझे सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आदमी जब झूठ बोलता है ना तो 5 मिनट के बाद उसकी असलियत आगे आ जाती है, या आपने भी देखा होगा। वोट वो मांगते हैं जो कमजोरफ लोग होते हैं। अगर मैं खड़ा बोल रहा हूँ, अशोक जी बोल रहे हैं, तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वोट कभी पार्टी को नहीं दी जाती, वोट इंसान को दी जाती है, उस आदमी को दी जाती है जो वोट लेने के काबिल हो, क्योंकि आपकी वोट, आप रहनुमा हैं, आप अपना एक लीडर चुनने जा रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लीडर की बैकग्राउंड क्या है। सब लोग वोट मांगते हैं सर, सबको हक है वोट मांगने का, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। मैंने आपसे पहले कहा, फिर कहता हूँ, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। हाँ, देखना यह है कि देश कहाँ था, कहाँ खड़ा है, आगे कहाँ उसको जाना है, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। नहीं नहीं, मैं सर ये नहीं मानता, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, आपको भी हक है, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, सबको हक है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी वोट आप लोगों से मांग रहा है, वो आपका दर्द कितना बढ़ा रहा है, वो आपके लिए कर क्या रहा है। मेरे लिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म और राजनीति एक ही स्तर पर खड़े हैं। ये खुदा ने जनक की नीति में एक बात कही गई है, आप लोगों को शायद पता हो, कि जिंदगी में धर्म है, सियासत है, लेकिन सियासत पॉजिटिव होनी चाहिए। धर्म तभी चलता है जब अच्छे लोग होते हैं,
और हमें एक लीडर की जरूरत है, हमें एक पोर्टफोलियो की जरूरत है, परिवार है, परिवार में एक पिता होता है, माँ होती है, बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, और ये सब लोग आवाम जो है ये खुदा के बंदे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ना धर्म रहेगा ना सियासत रहेगी। नहीं सर, मैं समझता हूँ मैंने चुनाव लड़ के बहुत गलती की है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान चुनाव में फिट नहीं होते। अब पीर फकीर जो खुदा के बंदे हैं, जो सच बोलने वाले हैं, जो बड़ी जोर से अपनी बात रखते हैं, उनको झूठ सुन नहीं सकते। और एक मिनट, झूठ और सच की लड़ाई है कि जब झूठ कुर्सी पर बैठा है और साथ में सच आके बैठ जाए तो झूठ सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सच है, तो जब झूठ सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर उसकी मुंडी काटनी पड़ती है।